आज हम आपको बताने वाले हैं शिशुओं से ठीक प्रकार बात करना क्यों है जरूरी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डेली हेल्थ केयर में। दोस्तों, एंजॉय कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप को, जहां पर आप हमारे चैनल के सारे वीडियोस देख सकते हैं एक साथ और सबसे पहले। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार, घरेलू नुस्खे, रामबाण इलाजों और हेल्थ टिप्स के वीडियोस फुल एचडी में देखने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप। हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिसका इस्तेमाल करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं और खूबसूरत दिख सकते हैं। यूं तो हम किसी से भी बड़े आराम से बात कर लेते हैं, लेकिन जब हम किसी बच्चे से मुखातिब होते हैं तो उनसे बात करने के लिए उसी की भाषा चुनते हैं। हम इस बात को नहीं समझते कि जो भाषा बच्चा सुनता है उसके IQ और चरित्र निर्माण के लिए बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए उससे ठीक तरीके से बात करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम इस बारे में कुछ विस्तार से बातें करते हैं और कुछ शोध और अध्ययन के बारे में भी बात करते हैं। शिशु की जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब उसमें कुछ बातों को फौरन सीखने और समझने की काबिलियत पैदा हो जाती है, मगर यह दौर कुछ समय के लिए ही होता है। मिसाल के तौर पर नन्हा बच्चा बड़ी आसानी से भाषा सीख लेता है और कभी कभी एक से ज्यादा भी, लेकिन 5 साल के होते होते उसकी काबिलियत कम होने लगती है। इस बात में उसके पालन पोषण वाले वर्ग का फर्क भी पड़ता है। आखिर शिशु बोलना कैसे सीख लेता है, जो उसके दिमागी विकास के लिए बेहद जरूरी है। खासकर शिशु के माता पिता उससे बात करते हैं तब वह बोलना सीखता है। शिशु आमतौर पर इंसानों की बातों का जवाब दे देता है। एक अध्ययन के अनुसार बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर उसकी नकल करता है। दिलचस्पी की बात यह है कि वह हर तरह की आवाज़ की नकल नहीं कर पाता। बात करने का तरीका, माता पिता चाहे किसी भी देश के हों, उनकी संस्कृति चाहे जो भी हो, वे अपने बच्चे से बात करते हैं तो अक्सर एक सुरीले अंदाज में करते हैं। उनकी प्यार भरी बातें सुनते वक्त बच्चे के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। माना जाता है कि ऐसे लहजे में बात करने से बच्चे जल्द ही चीजें ठीक से पहचानने लगते हैं और लोगों को भी पहचानने लगते हैं और समझते हैं कि कौन सा शब्द किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बच्चे 18 महीने के होने तक कम से कम एक दर्जन शब्द सीख जाते हैं, लेकिन जब वह 12-14 साल का होता है तब उसके लिए नई भाषा सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी उम्र में मस्तिष्क का जो हिस्सा भाषा सीखने में मदद देता है, उसमें पाए जाने वाले सिनेप्सिस की सघनता घट जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि भाषा सीखने में शिशु के पहले कुछ साल कितनी ज्यादा अहमियत रखते हैं। बच्चे जितने शब्द सुनते हैं उन्हीं से सीखने की कोशिश करते हैं। आइए जानते हैं शोध क्या कहते हैं। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया स्थित फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज के माइकल गोल्डस्टाइन ने क्रीड़ा काल के दौरान 8 महीनों के शिशुओं और उनकी माता के व्यवहार का अध्ययन किया। इसके लिए पहले तो उन्होंने शिशुओं के मुँह से निकलने वाली आवाजों और उनकी ध्वनियों को लेकर उनकी माताओं की प्रतिक्रियाओं का सामूहिक अध्ययन किया। बाद में उन्होंने माओं के 2 वर्ग बनाए। एक वर्ग की माँ को अपने बच्चों की आवाजों के जवाब में मुस्कुराने को कहा और कहा गया कि वे ऐसे में उनके निकट जाएं और उन्हें छुएं और उसे छुएं या अपना हाथ लगाएं। वहीं दूसरे वर्ग की माताओं की प्रतिक्रियाओं को सामान्य रूप से होने दिया। शोधकर्ताओं ने इन सब का विश्लेषण करने पर पाया कि पहले वर्ग के शिशुओं ने जल्दी बोलना सीखा। इन शिशुओं की आवाजों में वर्णमाला के अक्षर अपेक्षाकृत ज्यादा थे और वे व्यंजनों से स्वरों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। शोधकर्ताओं ने इस संदर्भ में कहा कि अगर बच्चों को बोलते समय प्रोत्साहन न दिया जाए तो वे देर से भाषा सीखते हैं, इसलिए बच्चों के बोलने के जवाब में उनसे बोलना और मुस्कुराना चाहिए। उन्हें छूना और हाव भाव का भी प्रदर्शन करना चाहिए। गौरतलब है कि बचपन में माता पिता द्वारा शिशुओं से बातचीत का गलत तरीका उनके बड़े होने पर कमजोर IQ और सीखने में समस्या का कारण बन सकता है। तो आइए जानते हैं इसका समाधान क्या है। इस समस्या का हल बच्चों के लिए बेहतर प्राथमिक स्कूल की सुविधाओं को विकसित करता है। अच्छी स्कूली शिक्षा कम से कम व्यक्तिगत असफल से जूझ रहे बच्चों को इससे सामना करने में मदद करेंगी। इन बच्चों को बेहतर सीखने के लिए सुनिश्चित मौका देंगी। प्री स्कूल कार्यक्रम अच्छे होते हैं क्योंकि यह बच्चों के संख्यात्मक कार्यों और सामाजिक कौशल को विकसित करते हैं और बच्चों को असली स्कूली शिक्षा के अनुभव के लिए तैयार करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है कि समाज के गरीब वर्ग के लिए भी बेहतर
सामाजिक आर्थिक सुधार किए जाएं। और सबसे खास बात, बच्चों के साथ सीधी बातचीत एकमात्र रास्ता है जो उन्हें शब्दों को पकड़ने और बेहतर शब्दावली सीखने में मदद करता है और उनके शैक्षिक भावना और IQ में सुधार करता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो इंतजार किस बात का, अभी डाउनलोड कीजिए डेली हेल्थ केयर ऐप।